अच्छा इसको बंद कर दो, बड़े बाद में थोड़ा कम कर दो, कम नहीं होता वो बीमार हो जाए तो इधर आ जाओ। हरी बोल, यू कैन कम दिस साइड, कम ऑन दैट साइड। अरविंद कहाँ बैठे हैं? आ जाओ आ जाओ, थोड़ा बोल दो सब, आ जाओ। सुनने के लिए तो आते हैं, सुना करो, आप सुनाइए, आप भी सुनाइए, थोड़ा तो इंट्रोडक्शन दो, लोगों को समझ में आ जाए कहाँ से आया, क्या बात है। चंद्राय राधिकाय तराले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज आप लोग के सौभाग्य का उदय हुआ है यहाँ, जो श्री गुरुदेव आपके घर पे पधारे। गुरुदेव के पास तो समय नहीं था, वो पूरी यात्रा पे थे गणों के साथ में, वो पुरी से मथुरा जा रहे थे, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ समय निकाल के अकोला आएँ और हमारे घर पे आए। तो गुरुदेव ने हमारा रिक्वेस्ट के हिसाब से आए यहाँ, और आज हमारा सौभाग्य है कि वो इस घर पे भी आए, इसलिए हम सब गुरुदेव का धन्यवाद करते हैं। गुरुदेव से मैंने उनके कथा में एक छोटा साधु संघ की महिमा का मैंने एक छोटा कथा सुना था, बस वही सुनाऊँगा, उसके बाद आप लोग सब गुरुदेव से कथा सुनेंगे, और अगर कोई त्रुटि हो तो गुरुदेव उसे क्षमा कर देंगे, ऐसा उनसे विनती करता हूँ। एक कोई बिजनेसमैन थे, वो बहुत कंजूस थे, कभी कोई साधु को कभी कुछ डोनेशन या दक्षिणा नहीं देते थे। एक दिन उनके यहाँ पे एक साधु आए और कुछ ऐसे ही बस खड़े हुए। उन्होंने क्या किया, गुस्से में उनको लगा अरे यार ये कहाँ मांगने आ जाते हैं, उठा के एक पत्थर था उनके पास में, खींच के मार दिया साधु को। साधु ने वो पत्थर को पकड़ लिया, और कोई उन्होंने उस आदमी का कोई अपराध नहीं कंसिडर किया। तो सच्चे साधु संत यही होते हैं, हम लोग से उनकी सेवा में कई बार कोई त्रुटि हो जाती है, लेकिन वो हमारी त्रुटियों को नहीं मानते, वो सिर्फ हमारा भाव देखते हैं। लेकिन ये साधु जो होते हैं वो परम दयालु होते हैं,
वैसे जैसे हमारे गुरुदेव हैं। तो जब वो पत्थर खींच के मारते हैं तो वो ले लेता है साधु, उसे ले लेते हैं, सोचते हैं कि अरे वाह इन्होंने चलो मुझे एक पत्थर डोनेट कर दिया, इसको मैं ठाकुर जी का रसोई जब बनाऊंगा तो मसाला इससे पीटूंगा, मसाला इससे बनाऊंगा इस पत्थर से। तो वो अपने उस पत्थर को रोज भगवान के लिए जब भोग अर्पण करते हैं उसके पहले खाना बनाने के लिए वो पत्थर का यूज़ करते हैं मसाला पीसने के लिए। और फिर जब वो उनका इस दुनिया को छोड़ के जाता है वो आदमी बिजनेसमैन, तो जब चित्रगुप्त के पास जाते हैं यमलोक में, वहाँ पे उनका सब लिखा पढ़ा ही होते हैं कि इन्होंने क्या किया है, कुछ पुण्य काम किया है कि नहीं। तो जब चित्रगुप्त उनका देखते हैं बोलते हैं अरे इन्होंने कोई पुण्य काम नहीं किया है, फिर बोलते हैं ठीक से देखो, तो देखते हैं हाँ इन्होंने एक ही पुण्य काम किया है, एक बार इन्होंने एक साधु को वैष्णव को एक पत्थर डोनेट किया है। तो ये आदमी सोचता है मैंने तो कभी किसी को कोई डोनेशन दिया ही नहीं, उस साधु को तो मैंने खींच के मारा था पत्थर और उसने पकड़ लिया वो पत्थर और कोई अपराध भी नहीं लिया मेरे से। तो उनको यमराज जी उनको ऑप्शन देते हैं, दो ऑप्शन, एक तो आप ये जो इतना सा आपने पत्थर डोनेट किया था इस साधु को, डोनेट भी नहीं किया था मारा था खींच के, लेकिन उस साधु ने आपका अपराध नहीं कंसिडर किया, तो आपको उसका पुण्य की वजह से आपको राजा का जन्म मिलेगा इस धरती लोक पे, लेकिन आप थोड़े समय के लिए ही राजा बनेंगे और उसके बाद आपको अनंत काल तक के बहुत दिनों तक के आपको नर्क में जाना पड़ेगा। तो आपको पहले कहाँ जाना है, आपको स्वर्ग में धरती पे राजा बन के आपको जाना है कि नर्क में जाना है पहले? तो वो बहुत चतुर होता है बिजनेसमैन, वो सोचते हैं कि मैंने तो एक पत्थर खींच के मारा गलती से और वो भी साधु ने उसे डोनेशन कंसिडर कर लिया भेंट स्वरूप, और उसके पुण्य की वजह से मुझे राजा बन के जन्म लेना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं कि पहले मैं राजा बनूंगा बाद में नर्क में जाऊँगा। और जब वो जब धरती पे जन्म लेते हैं तो उनके कुछ भगवान की साधु की महिमा से उन्हें अपना पूर्व जन्म का ख्याल रहता है थोड़ा बहुत, तो वो अपना जब राजा बनते हैं तो बहुत सब साधु संतों का सेवा करते हैं, सभी का सेवा करते हैं, जितना भी उनका पास धन रहता है सब कुछ साधु संत के वैष्णव लोक के सेवा में अर्पित कर देते हैं। और फिर जब वो शरीर त्याग करके जाते हैं फिर से यमलोक में, तब उनका फिर से लिस्ट निकालते हैं सब देख के, तो बोलते हैं कि अब तो इनको तो नर्क में जाए भेज ही नहीं सकते, इन्होंने इस जन्म में जब इतना थोड़ी देर के राजा थे उसमें पूरा इन्होंने साधु संत का सेवा किया, ये तो अब नर्क में इन्हें भेज ही नहीं सकते। तो ऐसा है साधु संत का जब हम लोग सेवा करते हैं या उनके उनसे कथा श्रवण करते हैं तो उसका बहुत महिमा है, हमारे जितने भी पाप हैं पूर्व कर्म सब कुछ हमारे नष्ट हो जाते हैं। श्री गुरुदेव बस इतना ही पता है मुझे। अब गुरुदेव से विनती करता हूँ वो आप लोग को कथा सुनाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनाम पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हम सिर्फ फोन कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर आप करें। सबसे पहले मध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवृंद मातृवृंद गौर हरि कथा श्रवण पिपासु समस्त भक्तों की मैं यथायथ अभिनंदन करता हूँ। अभी अभी आप लोगों ने साधु संग यानी सत्संग की महिमा श्रवण किया। श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद भी परीक्षित महाराज के निकट अनेकों सत्संग की महिमा की कथा श्रवण कराया। अत आत्यंतिक खेम पृच्छामो भवतो मनोघा खनार्दो भी सत्संग सेवधि नृणाम। थोड़ी सी टाइनी समय और अल्प समय यदि कहीं सत्संग में चले जाए साधु संग में बैठ जाए बस उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसे पाप आदि सब नष्ट हो जाता है। यह तक भी समझ में आ जाए अथवा नहीं भी आ जाए संत महात्मा की केवल दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए वही तुम्हारे कल्याण हो। ये जरूरी नहीं है या हमें समझ में आया नहीं आया, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि संत महात्मा जो शब्द बोलते हैं कथा जो बोलते हैं ना वो कौन सा कथा बोलते हैं, कौन सा लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज, उसे कहा जाता है संत महात्मा जो कथा बोलते हैं ना उसे कहा जाता है क्या, ट्रांसेंडेंटल लैंग्वेज कहा जाता है। क्या बोला, ट्रांसेंडेंटल लैंग्वेज, अपराकृत कथा। अपराकृत मतलब क्या है, मटेरियल नहीं है, ट्रांसेंडेंटल साउंड उसके शब्द ब्रह्म कहा जाता है। हमारे जितने भी इंद्रियां आदि जो है कान आदि नाक आदि जितने भी इंद्रियां आदि है ये क्या है, जड़ है, प्राकृत कहा जाता है, मटेरियल। और संत महात्मा जो कथा बोलते हैं वो क्या है, ट्रांसेंडेंटल अप्राकृत कहा जाता है। तो हम उसके कैसे समझ पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे उसको। हम अपने भाषा के द्वारा उसके समझने के लिए प्रयास करते हैं किंतु वास्तव उसके समझना संभव नहीं है। नायंगात्मा प्रवचन लब्बो न बहुना श्रुति नो जमे वैसे वृणुते तेन लब्ब तसी सात्मा विवृणुते तनुष्याम। उपनिषद में भी कहा भगवत कथा आदि जो है वो अपराकृत है, ट्रांसेंडेंटल है, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। हजारों बार आप कथा सुनिए, हजारों बार आप बोलते जाइए, शास्त्र अध्ययन कर लीजिए, किंतु भगवत भगवत समझना कठिन है, समझना संभव नहीं है। जब स्वयं भगवान हृदय में अपने प्रकाशित होकर के स्वरूप के व्यक्त करेंगे, प्रकाश करेंगे, तब हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या हम हरि कथा नहीं सुनेंगे क्या, अरे नहीं सुनो, समझ में आ जाए नहीं भी समझ में आ जाए तथापि सुनते रहे। एक अंध व्यक्ति था, कैसे क्या था वो, अंधा था, आंख में दिखाई नहीं पड़ता था उसको कुछ, और उसे कान में कुछ भी सुनाई नहीं देता था। किंतु जहां जहां पर संत महात्मा आते थे हरि कथा होती थी वहीं पर जाकर के वो बैठ जाता था,
एक बार कोई एक व्यक्ति उसके पूछने लगे, भाई तुम्हें बताओ, तेरे तो कान में कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, आंख में तो दिखाई नहीं पड़ते, तू प्रवचन के संत महात्मा जहां पर आते क्यों चले जाते हो, आगे जाकर के बैठ क्यों जाते हो, बताओ है। किंतु गजब की बात है, उन्होंने एक सुंदर उत्तर दे दिया। क्या बोले? बोले देखो बात तो सही है, मैं सुन नहीं पाता हूं, बरफ बह रहा हूं ना, कान में सुनाई नहीं पड़ता है, आंख में दिखाई नहीं पड़ता है, मोतिया बिंद पड़ गया ना, धुंधेली जैसे दिखाई पड़ता रहता, ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ता। किंतु मेरा एक विश्वास है, कई संत महात्मा मुझे सुनाया था कथा में, ये जहां जहां संत महात्मा है वहां पर जो हम क्या देखेंगे, जिस संत महात्मा हमारे ऊपर दृष्टि डाल दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले संत महात्मा हमारे ऊपर दृष्टि डाल दे, एक बार देख ले मेरे जीवन की बेड़ा पार हो जाएगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। सत्संग की बहुत महिमा है। दो भाई था, बड़े भाई भगवत भक्त भगत था, वो जहां जहां पर संत महात्मा आते थे आदर करते थे, खिलाते थे पिलाते थे, सेवा करते थे। छोटा भाई बिल्कुल नास्तिक था। एक दिन बड़े भाई के घर में कोई संत महात्मा पधारे, संत महात्मा के स्वभाव होते घर की बारे में पूछना, भाई तुम लोग कितने भाई हो, कहते मेरा मैं और मेरा एक छोटा भाई है। तुम्हारे भाई कथा में नहीं आते? बड़े भाई बोले महाराज क्या बताऊं, मेरा भाई जो है बिल्कुल नास्तिक है, भगवान तो मानना तो बहुत दूर गए, संत महात्मा देखते हुए चिढ़ता रहता है, कोई कुछ लोगों के स्वभाव होता है, संत महात्मा के देखते ही भैंस जैसे है ना, भैंसा वो ऐसे ऐसे करता रहता है, बफेलो बफेलो का भैंसा हो ना, भैंसा के स्वभाव होता है, लाल कपड़ा ऐसे देख लिए ना वो करा। कुछ लोगों के इसी प्रकार जो है स्वभाव है, संत महात्मा देखते ही बस वो चिढ़ता रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसी प्रकार बड़े भाई बोले महाराज क्या बताऊं, दुर्भाग्य की बात है, मेरा छोटा भाई कथा सुनना तो बहुत दूर की बात है, संत महात्मा देखते ही बस वो भैंसे की भांति चिढ़ता रहता है। बोले है कहां वो? छोटे भाई बड़े भाई बोले महाराज वो अपने कमरा बंद करके दरवाजा बंद करके वो कान में वो लगा देता ना, क्या लगा दिया आपने? रुई। प्लाग। अच्छा, प्लाग लगा करके हेडफोन लगा करके वो बस डिस्को सॉन्ग वो सुन रहे, उसके हरी कथा में रुचि नहीं है, अर्जुन हरी कथा में रुचि नहीं है, बस कान में लगा देते हैं हेडफोन, क्या बोलते हैं हेडफोन, और डिस्को जाते हैं। संत महात्मा बोले अच्छा कोई भी बात नहीं है। संत महात्मा ने क्या कि दरवाजा खटखटाया, दो बार चार बार दस बार खटखटाया, दरवाजा खोले ही नहीं। बड़े भाई बोले अरे भैया एक बार तो दरवाजा खोलो, दस मिनट ऐसे खटखटा खटखट 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 करने के बाद बहुत कष्ट से वो दरवाजा खोला और गुस्से से बोले क्या बात हुई, आया क्यों? चलो संत महात्मा ने की उनको हाथ पकड़ दिया, बोले तू एक बार तो हरिनाम कर, बोलो राधा रानी की जय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, बोलो तो जय श्री कृष्ण। हाथ उसको पकड़ लिया, किंतु वो तो हाथ ऐसे झिझक, संत महात्मा उसके हाथ पकड़ करके बोले जय श्री कृष्ण, बोलो जय श्री कृष्ण, वो बोले ही नहीं।
चलो संत महात्मा चले गए। इसके कुछ साल के बाद, 2-5 साल 10 साल के बाद उसे छोटा भाई मर गया, देह छोड़ दिया। भाई ये आप समझो और नहीं समझो, विश्वास हो अथवा नहीं हो, हमारे शास्त्र में लिखा है मनुष्य मरने के बाद जमलोक में जाता है, पहले विचार होता है उसके पाप और पुण्य, पाप और पुण्य की विचार होती है। जब महाराज चित्रगुप्त के बोले देखो इसको, देखो पाप और पुण्य कितना किया, चित्रगुप्त कहने लगे महाराज ये जीवन में कोई पुण्य तो किया ही नहीं, पापी पापी है, महापापी है, अनेक प्रकार के पाप पुण्य पे पाप कर्म का किया महाराज है, गोहत्ता से लेकर के मातृहत्या जानी जितने प्रकार के पाप हो सकते हैं ये जीवन में किया सब। जब महाराज बोले अच्छा इसे जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर पुनः देखो पन्ना के एक एक करके देखो, एक जगह में लिखा है चित्रगुप्त ने लिखा कोई संत महात्मा आकर उसको हाथ पकड़ लिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले यही पुण्य है। अरे संत महात्मा हाथ पकड़ लिया तो यही भी तो कुछ तो है इसके पुण्य है, गंगा के जल में स्नान करने से पुण्य होता है, पाप नष्ट हो जाता है, क्या संत महात्मा हाथ पकड़ने से क्या पुण्य कुछ नहीं होगा, होगा है? जब महाराज उसके बुला इधर आ जाओ, देखो तुमने जीवन में कुछ पुण्य ही नहीं किया, पाप ही पाप कर दिया, कोई एक संत महात्मा तुम्हारे घर में आया था और तुम्हारे हाथ पकड़ लिया, तुम्हारी उतना ही पुण्य हो गया, उस पुण्य के लिए एक घड़ी के लिए, कितने के लिए, एक घड़ी के लिए तुम्हें स्वर्ग में जाना पड़ेगा और अनंत काल के लिए तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, नरक में जाओ। ये तुम बताओ कहां तुम जाना चाहते हो पहले, वो बहुत चालाक था कहने लगे अच्छा तो अनंत काल के लिए नरक में जाना जाना ही है, चलो एक घड़ी के लिए मैं सर्ग कैसे देख लेता हूं, मैं देखने की तो इच्छा होती है ना सर्ग है क्या है, नंदन कानन अमृत भोजन ऐसे शास्त्र में लिखा है सर्ग बहुत सुंदर है, वह पर कोई मरता नहीं है, कोई जरा व्याधि नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं होता है, किसी को बाल सफेद नहीं होता है, ये बोले बाल सब खाली नहीं होते है। सब हरा रंग हो जाता है उधर स्वर्ग लोग में किसके बाल कभी सफेद, क्योंकि बुढ़ापा नहीं है, रोग व्याधि नहीं है, सब समय जुबा बना युवक बना रहता है। तो विचार करने लगे चले एक बार स्वर्ग में जाकर के देख करके आता हूं एक घड़ी के लिए। जब महाराज अपने जमदूत को जाओ इसके जम स्वर्ग के दरवाजा पर ला करके छोड़ दो और बैठा रहना, एक घड़ी के बाद वो बाहर आ जाए, चले गए वो स्वर्ग लोक में गए, देखा तो बहुत सुंदर है, इधर उधर घूमने लगे, घूमते घूमते एक जगह में आ गया, स्वर्ग लोक में एक छोटा सा मंदिर है, विष्णु मंदिर है, पर स्वर्ग लोक में भी भगवत मंदिर है, वो मंदिर के नाम क्या है, उपेंद्र भगवान उपेंद्र के मंदिर है, भाई शास्त्र में लिखा है स्वयं भगवान विष्णु के रूप में यानी उपेंद्र के रूप में शंख चक्र गदा पद्म के रूप में स्वर्ग लोक में विराजमान होते हैं, माँ अदिति देवी उसकी सेवा करती है, ऐसे शास्त्र में लिखा है, है? किंतु देखा क्या मंदिर तो सुंदर है, भव्य मंदिर तो है, है? देखने में बहुत सुंदर मंदिर है, किंतु उसमें कोई कथा सुनने नहीं आता है, केवल एक ब्राह्मण जो है मानो भागवत पाठ कर रहे थे, भागवत सप्ताह चल रही थी लगातार, दिन रात भागवत चल रही थी,
किंतु कोई कथा सुनने वाला नहीं है, क्यों? स्वर्ग लोग है ना, वो तो भोग के स्थान है, कौन कथा सुने है? सब इधर उधर चले जाते हैं। केवल एक ही व्यक्ति भागवत लेकर के पढ़ रहे थे, तो व्यक्ति ने क्या की, वहीं पर भागवत के सामने बैठ गए। भागवत के उसी समय कथा प्रसंग आ गया। ये जहां पर कथा भागवत कथा होती है, भागवत का चर्चा होती है, वहां के जम दूत कभी आ नहीं सकते। क्या बोला? जहां पर भागवत कथा होती है, भागवत कथा होती है, जमों के दूत नहीं आ सकते। वो विचार के लिए बहुत अच्छी स्थान है। तो और अखंड भागवत कथा चल रही है, अखंड भागवत कथा चलती जा रही, बैठे रहे, एक घड़ी, दो घड़ी, तीन घड़ी हो गया, समय हो गया, बैठे रहे। और बाहर जमदूत के जमदूतों ने बैठे हुए चिल्ला रहे, अरे बाहर आ जाओ। उसके कान में सुनाई नहीं पड़ा, भागवत कथा सुनने लगे, बैठे रहे। समझ में तो कुछ नहीं आया ही नहीं उसको। मैंने कहा समझ में थोड़ी आता है, डर के मारे बैठे रहे ना, बस ऐसे चुप करके बैठे। ऐसे करते 5-7 घंटे के बाद तो बाहर आ गया। जमदूतों ने उसको डटने लगे, हे तुमको एक घड़ी के लिए बोला था, तुम 10 घंटे एग्जाम पर कहां रहा, पिटाई करे है। और उसको धक्का मुक्की करते हुए जम महाराज के पास लेकर के आया। बोले महाराज इसके एक घड़ी के लिए भेजा और वो 10 घंटा बिता दिए, पिटाई करो इसको। जब महाराज बोले रुको, जब महाराज बहुत प्यार से बोले, बेटा तुमको मैंने एक घड़ी के लिए स्वर्ग में भेजा था, तुम इतने समय का क्या किया बताओ बेटा। प्यार से बहुत बोलने लगे, भाई किसके प्यार से बोलो ना, वो सच बोल देता है। तो बोले महाराज जहां पर वहीं पर भागवत कथा चल रही थी, मैं भागवत में बैठ गया। अच्छा भागवत में बैठ गया कथा में? हाँ जी। तो कहने लगे जब महाराज के लिए, महाराज एक बात मैं पूछू ना? हाँ पूछो ना बेटा, क्या पूछना है? अच्छा तो भागवत सुनने के फल क्या है? आप तो महाभागवत हो, द्वादश महाजन की महाजन है ना, शंभु नारद शंभु कुमार कपिल मुनि प्रहलाद जनों को भीष्म बलि बजा सके। जब महाराज कह रहे हैं हम लोग द्वादश जो है 12 महाजन है, भागवत के प्रवक्ता भी है, सारे सबको जानते हैं। तो इसलिए कह रहे आप तो महाजन हो, आप ये बताइए ना, जो कोई भागवत कथा में बैठ जाता है, सुनता है, उसके भागवत सुनने के फल क्या है? ये बात बताइए। जब महाराज विचार करने, बात तो सही है। जब महाराज कहने लगे मैं आपको सही उत्तर दे नहीं सकता, जो भागवत कथा सुन लेते हैं, थोड़ा भागवत में कथा में जहां पर संत महात्मा जहां पर विराजमान होते हैं, इसके फल क्या है मैं नहीं बता नहीं सकता हूं। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, तुम चलो। जब महाराज ने कहा कि उसको ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मलोक में सत्यलोक में ले गए। जब महाराज ने सारी कथा सुनाई, ये व्यक्ति भागवत कथा सुने, ये भागवत की सुनने की फल क्या है? ब्रह्मा जी बोले देखो मैं भी बता नहीं सकता, एक बात सुनो, चलो शिव जी के पास चलते हैं। कहां? कैलाश। कहां पर चलना है? कैलाश में चले। कैलाश में आ गए, शिव जी के सारे कथा सुना, बोले ये व्यक्ति भागवत कथा सुन लिया, इसके फल क्या है बताओ। शिव जी बोले मैं ठीक ठीक उत्तर नहीं देता हूं, किंतु भागवत तो भागवत स्वरूप ही है, श्रीमद् भागवत 12th कैंटो द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत, और भगवान के सारे अंग ही एक एक स्कंद कहा जाता है। ये भागवत कथा साक्षात भागवत स्वरूप ही है, जो भगवान की कथा सुन ली उसके फल क्या है, ये तो स्वयं भगवान ही बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते।
शिव जी बोले एक काम करें, हम वैकुंठ में चले है, चलो वैकुंठ में चलते हैं। ये व्यक्ति बहुत चलाक थे, कहने लगे देखो सुबह से शाम तक हमें घुमा रहे हो, जम लोग से कहां ले गए ब्रह्मलोक सत्यलोक, फिर सत्यलोक के कैलाश ले गए, और फिर कह रहे कहां वैकुंठ, कितना दूर चलते चलते एकदम थक जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम नहीं जाओ तो प्रभु कैसे बताएंगे, तुमको जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं मैं थक गया। तो ब्रह्मा जी शिव जी विचार करने लगे, बोलो देखो इसको तो वैकुंठ में ले ही जाना पड़ेगा, क्या करें। एक सुंदर जो एक पलंग बनाया है, पलंग क्यों जिसको कहते हैं, पलंग बनाया, पलंग पलंग क्यों जो बनाया, हटिया अच्छी तरफ से बनाया है, अच्छी तरफ से सजाया, फूल दे करके सजाया, गद्दी अच्छी तरह से लेटा है बैठा, वो बिल्कुल लेट गए जैसे राधा जी राजा जी महाराज जैसे सिंहासन में बैठ करके ना आराम के तरह होता ना ऐसे यार, बिल्कुल लंबा बिजनेस क्लास में बिल्कुल फ्लैट में होता है ना, हाँ बिजनेस क्लास ये हमारे चलते है बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में फ्लाइट में बैठ गए, बिल्कुल पैर ऐसे लगा करके एसी कंडीशन जैसे आराम से, ऐसे भी नहीं है, दो चार देवता लोग भी उसके भी कंध में लेकर के चलने लगे है? और कुछ देवता लोग जो है उसके चामर ढूंढे, बोले हमारे गर्मी लग रहे हैं हमें जा नहीं सकते, अच्छा गर्मी लग रहे है ना, हाँ जी चलो उसके हवा करने लगे, आराम से बैठ गए। और उसके पीछे हजारों देवता लोग ऋषि महर्षि लोग सब चलने लगे, क्यों आज सुनेंगे भागवत श्रवण की महत्व क्या है, महत्व क्या है। जो भागवत कथा सुन लेता है, भागवत कथा कहीं भी जाकर के सत्संग में बैठ जाता है, भागवत कथा सुन लेते हैं, उसके महिमा क्या है, महत्व क्या है। बड़े बड़े देवता लोग पहले कौन चल रहे हैं, शिव जी चल रहे हैं, इसके बाद कौन चल रहे हैं, ब्रह्मा जी चल रहे हैं, इसके बाद इंद्र जी चल रहे हैं, गणेश जी चल रहे हैं, जितने जी हैं सब चलने लगे, 4G नहीं है तुम्हारा, कितना जी चलते रहते हैं, मिलियन जी चलने लगे सब है, अरे गणेश जी सरस्वती जी जितने लक्ष्मी जी जितने जी थे स्वर्ग लोक में सब ही सुन ले तैयार है, सब पीछे लॉन्ग जो है इतना बड़े प्रोसेशन चलने लगे, क्या बताऊं। वैकुंठ के द्वार पर आ गए, लक्ष्मी देवी ऊपर से देखने लगे छत पर, बोले क्या बात हुई यार, स्वर्ग लोक से इतना लोग इतने लंबी लाइन लगा हुआ है, हजारों लोग हैं, क्या बात हुई, कौन आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आकर के लक्ष्मी देवी नारायण के समाचार दिया, ये प्रभु एक व्यक्ति पलंग पर जो है लेटे हुए है और कुछ देवता उसके हवा करे पंखा हवा करे है, और उसके ऐसे करके लेकर के आ रही जैसे पलकी लेकर चलते ना ऐसे देखो, और उसके पीछे हजारों देवता लोग जय जय दाकार करते जा रहे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश। बोले कौन आ रहे, भगवान विष्णु बोले लक्ष्मी तुम जानते हो मेरा प्रिय भक्त आ रहे हैं, कौन आ रहा है मेरा सबसे बड़े भक्त आ रहे हैं, जल्दी जल्दी मेरा प्रसादी माला लेकर के आओ, उसको स्वागत करना है। लक्ष्मी देवी जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के माला है ना प्रसादी माला है ना, ये माला में क्या है भगवान की शक्ति है, है? ये भगवान के अर्पित हो जाता है ना, ये भगवत कृपा इसमें है, किंतु भक्त लोग कहते मैं कृपा लेना नहीं चाहता, और हर रोज कीर्तन करते क्या, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तिना पेक्षा होती, तात्पर्य क्या है गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा दे रहे बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इधर तो कार्य के गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, और इधर ये माला कृपा नहीं है क्या है, ये साक्षात भगवत कृपा स्वरूप कहा जाता है, भागवत में वर्णन है, एविडेंस है, प्रमाण है, ये भगवत माल्लो अर्पणम
है, बोले मयंक जयत। भागवत में स्वयं कृष्ण अपने मुखारविंद से कहा, मेरे प्रसादी माला, मेरा प्रसादी वस्त्र जो कुछ भी है, अथवा गुरु भक्त के जीव प्रसाद, वो मेरे मत स्वरूप है, मेरा जो कृपा है, शक्ति है, इसमें भी वही शक्ति रहता है। किंतु लोग अज्ञ लोग जिसके ज्ञान नहीं है, उसके माला तो कह रहे मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दो, इसको दे दो। मैं कहता हूं सबके माला मुझे दो, क्यों? ये लोग कृपा के पात्र नहीं है, सब कृपा ग्रहण कर, नहीं करना चाहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं मुझे सब पहनो, भगवान की कृपा प्राप्ति समझो अच्छी तरफ से। भागवत में वर्णन है, ये माला कोई साधारण माला नहीं है, देख रहे हो। किंतु भागवत में स्वयं भगवान उद्धव के कहने लगे, हे उद्धव, मेरे निवेदित जो कुछ वस्तु जो है मुझे जो अर्पित कर देते हैं, और मेरा शक्ति उसमें आ जाता है, प्रसाद है नहीं ये, इसको ग्रहण करना चाहिए। किंतु कुछ लोग अज्ञ है, मूर्ख है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। अरे ये तो कीर्तन कर रहे हैं, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। अरे कृपा तो कर रहे हो, तू कृपा नहीं ले तो लेना नहीं चाहते हो, क्या करे है? मयंक जयत, ये पर स्पष्ट लिख दिया, ये माला आदि भगवत और वैष्णव की माल और प्रसाद आदि ग्रहण करने से वो माया के भी जय कर लेते हैं, इसमें क्षमता है। बहुत अनेकों कथाएं है, ये भगवत प्रसाद की क्या महिमा। आइए, संग भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी मेरे प्रिय भक्त आ रहे हैं, मेरे प्रसादी माला ले आओ, उनको मैं स्वागत करता हूँ, मेरे प्रसादी माला के द्वारा मैं उनको स्वागत करता हूँ। जब स्वर्ग के, जब वैकुंठ के द्वार पर आ गए ना, स्वयं भगवान विष्णु अपने प्रसादी माला के द्वारा उनको स्वागत किया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले कौन सा वैकुंठ है? बोले इसको कहा जाता है रमाप्रिय वैकुंठ कहा जाता है। एक वैकुंठ जो है इसी ब्रह्मांडों के अंतर्गत स्वयं भगवान एक सुंदर वैकुंठ रचना की, उसके कहा जाता है रमाप्रिय वैकुंठ। किंतु वो वैकुंठ में नहीं जा सकते हैं, वो तो अपराकृत धाम है, भजन साधन करने के बाद सुख तब वो सिद्ध शरीर में जा सकता है वो, क्योंकि आपके कंफ्यूज हो जाएगा, ये देवता लोग कैसे चले गए, भाई ये व्यक्ति कैसे चले गए। जिसको जो वैकुंठ में जाते ना, वो कौन सा वैकुंठ? रमाप्रिय वैकुंठ कहा जाता है, ये बृहद भागवत में वर्णन है। चलो, स्वयं भगवान अपने माल चंदन आदि दे करके, प्रसादी आदि दे करके उनके स्वागत किया है, बहुत बड़ी सभा हुई, सब जी लोग बैठ गए। जी लोग समझ में नहीं, कौन सा जी? ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, इंद्र जी, गणेश जी, सब जी, लक्ष्मी जी, सब विशाल विराट सभा हुई उसमें बैठे। भगवान विष्णु भी विराजमान हुए। प्रश्न क्या किया? जब महाराज ने इतने प्रश्न कर दिया, हे भगवान विष्णु, आप ये बताइए, ये व्यक्ति जो आए हैं, ये आपकी भागवत कथा सुन लिया, भागवत कथा सुनने की फल क्या है आप बताइए। भगवान विष्णु उस समय करे, भागवत सुनने की फल यही है। बोले भागवत सत्संग की फल यह है। बोले क्या है? बोले आप लोग इसे स्वागत प्रशासन से लेकर के आए ना, और कान में भी बैठा करके, बोले प्लान क्यों है ना, हाँ। लेकर के आप इतने बसे, इतने प्रशासन करते हुए हमारे धाम में आ गया। पर जो भागवत कथा सत्संग में चली आते ना, मृत्यु के पश्चात साक्षात भगवत धाम में वो चले जाते हैं, यही सत्संग की महिमा है। विश्वास होनी चाहिए, विश्वास करो, जहां पर सत्संग है, साधु संग है, वहीं पर जाकर के बैठ जाओ, और संत महात्मा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए। जैसे कहा ना, वो व्यक्ति कह रहे ना, हम तो आंख में दिखाई नहीं पड़ते, किंतु संत तो दर्शन दे देंगे, संत की दृष्टि हो जाए, कृपा दृष्टि हो जाए, भाई हमें कोई कुछ करना नहीं है, यही सत्संग की महिमा है। ये साधु संग जहां पर है, वहीं पर बैठो और कथा सुनो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। फिर आप भी प्रश्न करते महाराज हम सत्संग में गए हमें तो कुछ मिला ही नहीं, सुनने की कुछ मिला ही नहीं। अरे क्या समझोगे बताओ, मैं भरत महाराज की कथा सुनाता हूं। भरत महाराज राजा थे, यही भारतवर्ष की सदागर पृथ्वी के राजा थे, जिसके नाम पर भारतवर्ष नाम हुआ, जिसके नाम पर क्या नाम हुआ, भारतवर्ष, भारतवर्ष को भारतवर्ष कहा जाता है। इसके पहले नाम क्या था जानते हो, हमारे भारतवर्ष के पहले नाम क्या था, अजोनाभ वर्ष कहा जाता है, अजोनाभ वर्ष है। भरत महाराज के नाम से इसका नाम हो गया भारतवर्ष कहा जाता है। हमारे भारतवर्ष के इतिहास अतीब सुंदर गौरव के साथ सब लोग लेते हैं, विश्व में कहीं भी चले जाए भारतवर्ष के नाम सुनते ही उनके ध्वजा ऊपर उड़ता रहता है। क्यों, भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति जो है एक अनूठा है, जिसमें रामचंद्र की आदर्श, जिसमें भगवान कृष्णचंद्र की आदर्श है, ये अनूठा है, किसी देश में ऐसे नहीं मिलेगा आपको है? आज तक भी विश्व में, सारे विश्व में भारतवर्ष की एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है। बोलो भारत माता की जय। मैं एक बात कहता हूं, कभी कभी विदेश में भी प्रचार करता हूं। अच्छा बताओ, किसी देश में कोई अपने देश के माता के नाम के जय देता है? इंग्लैंड माता की जय, अभी कोई दिया? नहीं। अमेरिका माता की जय, फ्रांस माता की जय, रशिया माता की जय, बोलता है कोई? नहीं। आप बताइए, ये लो विदेशी को पूछ लो, इन लोग के पूछो, इन लोग के देवे। किंतु हमारे भारतवर्ष ऐसे है, उसे क्या कहा जाता है, भारत माता की जय। हमारे भारतवर्ष, भारत के हम लोग माता के रूप में सम्मान देते हैं, है? मां के भांति हम पूजा करते भी है, और किसी देश में आपको यही नहीं मिलेगा, मातृ सम्मान दिया जाता है, है? ये गौरव की बात है, किसी देश में आप कहीं भी चले जाए है? भारत माता की जय कहा जाता है, मां की सम्मान सर्वोच्च स्थान पर रहता है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, जिस देश में नारी के सम्मान नहीं है, माताओं के सम्मान नहीं है, वो देश की कभी उन्नति नहीं हो सकता है। पारमार्थिक उन्नति में, पारमार्थिक उन्नति नहीं होती, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, है? भारत गरीब हो सकता है, इकोनॉमिकल गरीब हो सकता है, आर्थिक दृष्टि से गरीब हो सकता है, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उनकी ध्वजा ऊपर चलता रहता है। राम की कथा सुनने के लिए, भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए सारे विश्व के लोग तड़पते रहते हैं, आज तक भी सर्वत्र जो है भारत की ऐसे, क्योंकि मां की सम्मान दिया जाता है, नारी के सम्मान दिया जाता है, है? और देशों में तो ऐसे नहीं है। भारत माता की इच्छा है। चलो यही भरत महाराज की कथा मैं सुनाता हूं, जिसके नाम पर भारतवर्ष के नाम हुआ है। पहले तो नाम था अजनाभ वर्ष, इसके बाद क्या नाम हुई, भारतवर्ष। भरत महाराज बहुत प्रतापी थे, जुबा काल में उन्होंने क्या की, संसार राजपाट को छोड़ दिया, राजपाट को छोड़ करके जंगल में जाकर के भजन करने लगे, नदी के तट पर भजन कर रहे थे, बिल्कुल संसार से विरक्त होकर के भगवत नाम ग्रहण कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत नाम और पूजा आदि करते थे, एकांत स्थान पर है, नदी के तट पर
एक गुफा में अपने छोटा सा कुटिया बनाई और वहीं पर वो भजन करने लगे। किसी से लेन देन नहीं है, कुछ नहीं है। दिवारात्र वास प्रभु के चिंतन आदि करने लगे और भजन करने लगे। ठाकुर जी के पूजन, अर्चन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादस्मरण, अर्चन, बस इसी प्रकार लगे रहते। एक दिन भरत महाराज भजन कर रहे थे और देखा क्या, एक गर्भिणी हिरणी जो है, माने अभी बच्चा देने वाला है, हिरणी जो है, डिया, फीमेल डिया, वो उस नदी के जल पान कर रही थी और इतने समय एक शेर जो है हुंकार भरने लगे। शेर की हुंकार सुनते ही वो गर्भिणी हिरणी डर गई, बस छलांग लगाई, पानी में जाकर को गिर गई, किंतु उसके बच्चा प्रसव हो गया और नदी के तट पर रह गया। हिरणी के शरीर मृत शरीर तो जल में जो है प्रवाहित होकर कहां चले गई पता ही नहीं है। शेर भी चला गया, कहां पता ही नहीं। छोटा बच्चा, हिरणी के छोटा बच्चा अभी भी सद्य जन्म लिया, छटपटा रहे थे। शेर चले जाने के बाद भरत महाराज गुफा में बैठ करके उसको देख रहे थे, ये एक छोटा हिरणी के बच्चा छटपटा रहे थे। बस भरत महाराज ने क्या कि उस हिरणी के बच्चा को जो है, छोटा हिरणी सावक जिसको कहते, छोटा बच्चा जो है, अपने कुटिया आश्रम में लेकर के आया और उसके पालने लगे, पसंद करने लगे, दूध पिलाने लगे, कहीं से दूध सब लेकर के उसके पिलाने लगे, चलो सेवा आदि करने लगे हिरण के। थोड़े करते करते जो दो चार दिन, छह दिन, एक महीने के बाद वो हिरण के बच्चा जो फदक फदक करके डोलने लगे या घूमने लगे, बहुत प्यार हो गया। बस बस जिसको प्यार हो जाता ना, बस उसके पीछा ही पीछे पड़ जाता है वो। भरत महाराज उसी हिरण के शिशु के प्रति क्या हो गया, आसक्ति हो गया है। और छोटा बच्चा, हिरण के छोटा बच्चा, भरत महाराज की पूजा की सामग्री है ना, फूल हो कुछ भी हो, वहीं पर आकर के वो खड़े हो जाते थे, कभी कभी टट्टी भी कर देते, पिसा भी कर देते, पशु जाती है ना है। भरत महाराज उसके शासन करते थे, यहाँ पर टट्टी कर दे, पेशाब कर दे, तो बच्चा डर जाता था, हिरण शिशु छोटा बच्चा जो सावक जो डर जाता था है, और आंखों से आंसू गिराता, उसको देख करके भरत महाराज जी की हृदय द्रवीभूत हो जाता था, फिर वो बच्चा को लेकर के गोद में लेकर के ऐसे करता था, थप थपाता था, फिर हिरण के बच्चा फिर उदाता फुदकता था। जब हिरण भरत महाराज ध्यान करते थे, मंत्र आदि जप करते ना, ध्यान करके आंख बंद करके, वो हिरण के बच्चा उसे कांध पर दो टांग उठा देते थे पीछे से, छोटा बच्चा है ना, टांग उठा देते थे जीवी के द्वारा, ऐसे जो उसको मुंह के चाटने लगते। भरत महाराज के पास ध्यान तो भगवान में नहीं लगता था, कहां लग जाता था, वही हिरण बच्चा में लग जाता। ऐसे करते करते दो महीने, चार महीने, छह महीने हो गया, हिरण से बच्चे यहाँ इधर जो उधर फदकने लगे, आश्रम की इधर उधर डोलने लगे। एक दिन कुछ हिरण के झुंड आ गया, जंगल के हिरण झुंड, भाई पशु जाती है, सब अपने अपने झुंड में जाना चाहते हैं, है? ऐसा नहीं, हिरण पशु है, पशु में चल, भाई ये स्वभाव है सबका ही है ना, मनुष्य है तो मनुष्य में बैठेंगे, स्त्री है तो स्त्री स्त्रियों के झुंड जहां पर बैठते हैं, पुरुष है तो पुरुष के पास बैठते हैं। ये सभी जीव की एक ही ऐसे स्वभाव बनता रहता है। तो उसी प्रकार वो हिरण, छह महीने के जो हिरण के बच्चा है ना, वो हिरण यानी उनके झुंड में जाकर के चले गए और उनके साथ कहां चले गए, जंगल में चले गए पता ही नहीं है। भरत महाराज संध्या अन्निक आदि करके शाम के समय हिरण के बच्चा को ढूंढने लगे, कहां गए, देखा तो दिखाई नहीं पड़ रहे, थोड़ा अंधेरी भी हो गया, तो उन्होंने क्या कि पहाड़ के चट्टी पर चढ़ गए, सोचने लगे कहीं आज दूर न चले गए, इसलिए दूर से हिरण शिशु को देखने लगे और इतने तन्मय हो गया। पहाड़ के चट्टी के ऊपर होता है ना, पानी गिरता है ना, उसमें काई जम जाता है, काई समझते हो,
काई नहीं जावे तो क्या बोले हरा हरा पड़ जाता है, पैर लगने से वो फिसल जाता है, मॉस पड़ हो जाता है, जैसे काई जम जाता है, है? थोड़ा सा पैर लगा तो पैर आपका क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। बोले हिरण्यकश्यप इतने तन्मय हो गया था वो भरत महाराज, बस उसके पता ही नहीं था ये पर जो काई जम गया, और पैर लगा करके ऐसे देख रहे थे, और इतने समय 50 फीट ऊंची पहाड़ से जो है वो धड़ास करके नीचे गिर गए, और बस उसके प्राण पखुरे उड़ गए। बल वृंदावन बिहारी लाल की चिंतन किसको कर रहे थे उस समय, मृत्यु के समय हिरण के शिव के चिंतन किया। भागवत गीता में संग भगवान कहते जंग जंग बाप स्मरणं तज्जन्ते कलेवरम, मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ता है, मृत्यु के पश्चात वही शरीर उसको प्राप्त हो जाता है। इसका जंग जंग पाप जंग जंग बाप स्मरणं तज्जन्ते कलेवरम सदा तद्भाव भावित कुंतेय, मृत्यु के समय मनुष्य जैसे जैसे चिंतन करेगा, जैसे आपके घर में कुत्ता है, कुत्ता के चिंतन करते करते मरो तो क्या बनोगे, कुत्ते हो गए बने। हाँ ये सत्य है, झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि गीता में संग भगवान करे कौन सा शरीर तुम्हें प्राप्ति होगा अगले जन्म में जाकर के, है स्त्री शरीर अथवा पुरुष शरीर भी। पुरंजन पुरंजन के भागवत उदाहरण भी दिया, एक नहीं कितने उदाहरण है, अनेक उदाहरण है। पुरंजन और पुरंजनी, पुरंजन पुरुष है और पुरंजनी स्त्री है, और पुरंजनी पुरंजनी की पुरंजनी की जब स्त्री को चिंतन करके शरीर छोड़ा और दूसरी जन्म में वो भी स्त्री बन गई, वे हमारे शरीर इसी प्रकार बदलता रहता है। जिसको चिंतन करते करते तुम शरीर छोड़ोगे दूसरी जन्म में वो शरीर तुम्हारे प्राप्त होगा। है कोई कहते हैं महाराज मैंने कौन सा कर्म किया मेरे स्त्री जन्म लिया और आपके साथ मैं जा नहीं सकते, आपके सेवा नहीं कर सकता। अरे तुम्हारे कोई तुम सोचो हा? कहते महाराज यदि ब्रह्मचारी होकर जन्म लेते आपकी सेवा करते आपके पास रहते, स्त्री जाति है सेवा नहीं कर पाता। पर क्यों, कारण क्या है तुम सोचो, यही कारण है। जो जिसमें आसक्ति हो जाता है, है मृत्यु के समय वही चिंतन आ जाता है। अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में कब आएगा, मृत्यु की घड़ी पर, है जिसमें आसक्ति हो जाएगा उसमें हमारे रील चलता रहेगा, इतने रील होते ना इतने जोर से चलता रहेगा, और जिसमें आसक्ति है वहीं पर खड़े हो जाएगा और उसी के तुम देखोगे, है फिल्म ऐसे चलता रहेगा। तुम आप जो कुछ भी देख रहे हो आंख में मन में जो कुछ चिंतन करते हो देख रहे हो चिंतन कर रहे हो वो क्या होते हैं इम्प्रेस पड़ते जाएगा, है और मृत्यु के समय वही घड़ी आ जाएगी, वो इतना जोर से तेज से घूमता रहेगा, और जिसमें तुम्हारा आसक्ति है उसमें आ गया और उसको तुम देखोगे। जैसे भरत महाराज इतना भजन साधन किया किंतु हिरण शिशु के बीच आसक्ति होने के नाते मृत्यु के समय क्या देखा, वही हिरण शिशु आ गया, बस शरीर छोड़ गया। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं जंग जम बाप स्मरण तज्जन्ते कलेवरम, तज्जन्त मृत्यु के समय शरीर छोड़ने के समय जैसे जैसे वो आपको चिंतन होगा वही प्राप्ति हो शरीर प्राप्त हो। अभी मृत्यु के बाद भरत महाराज की कौन सा शरीर प्राप्त हुई, हिरण होके जन्म ले, किंतु भगवान की कृपा से पूर्वजन को स्मृति रहा, भजन साधन किया ना, किंतु हिरण जन्म तो आ गया, किंतु साधु के संत महात्मा जहां पर होते ना वहीं पर खड़े हो जाते थे, पशु जनी है संत महात्मा के भाषा कैसे समझेंगे क्या बोल रहे हैं, है? कोई समझ में नहीं आता है। किंतु तथापि पूर्वजन्म के संस्कार होने के नाते जहां जहां संत महात्मा विराजमान होते थे वहीं पर बस खड़े हो जाते थे, समझ में नहीं आता। और पूर्वजन्म की स्मृतियां हाय हाय मैंने हिरण के प्रति आसक्ति होने के नाते आज मुझे क्या जनी मिला, हिरण जनी मिला, केवल आंखों से आंसू की धारा टपकता था। ऐसे करते करते कुछ साल बाद वो हिरण शरीर छोड़ दिया, फिर भगवान कृपा करके उनको कौन सा जनी दे दिया,
मनुष्य शरीर दिया, उसके हो गया तीसरी जन्म में उसके क्या शरीर मिले, जड़ भरत होकर जन्म, उसके नाम हो गया जड़ भरत। बात नहीं करते थे जन्म से, कहते इस जन्म में मैं किसके साथ बात नहीं करूंगा, कहीं आसक्ति ना हो जाए, हैं? बस सदा सर्वदा भगवान की स्मरण रखते थे, चिंतन करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, आगे तो बहुत कथाएं हैं, अभी यहीं पर कथा समाप्त करता हूं। कहने के तात्पर्य जो है, कहीं आसक्ति ना हो जाए, भगवत भजन करो वास। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ये मेरे भजन करो, मेरे चिंतन करते करते वो शरीर छड़ेगा, वो मुझे ही प्राप्त करे। अंत काले जो मांग स्मरण तजेंद कलेवरम, अंत काल में मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करके शरीर छोड़ता है वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। इसलिए क्या करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करने के उपाय क्या है, भगवान में आसक्ति हो जाए, भगवत कथा में आसक्ति हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलो राधे 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 जय 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 श्री राम, बोलो राधे 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 मैं तो रोटो राधा राधा नाम सखी तरी गलियन में, मैं तो रोटो राधा राधा सखी तरी गलियन में, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा सभी बोलो हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, गीताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोलो राधा रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बहुलाल की।